संगरूर दे गुरद्वारा साहब ननकियाणा साहब च अज बीबी कमलदीप कौर राजवाणा नतमस्तक होए ते बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई अरदास कीती गई। अरदास उपरंत बीबी कमलदीप कौर राजवाणा ने संगरूर वासियां नूं हाथ जोड़ के वोटां पाउण दी अपील कीती अते नाल ही कहा कि साडा मंतव सिर्फ और सिर्फ बंदी सिंघां नूं रिहा करवाउणा है। सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी अगे अपने गुरु साहब जी अगे अरदास करन आई हाँ कि मेरे फांसी दे तख्ते ते खड़े वीर साडे बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई अरदास करन आई हाँ। यही बेनती मैं अपने सारे पंजाबी वीरां नूं सारे पंजाबियां नूं अपने समुचे खालसा पंथ नूं यह बेनती करदी हाँ कि तुसी सारे बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई फांसी दे तख्ते ते खड़े मेरे वीर राजवाणा जी दे लई तुसी सारे साडा साथ दिओ ताकि बंदी सिंघां दी रिहाई करवाई जा सके। फांसी दे तख्ते ते खड़े मेरे वीर राजवाणा जी दी जिहड़ी फांसी आ उहनूं रद्द करवाया जा सके, बंदी सिंघां नूं घरे लियाया जा सके। गुरु जी दे अगे अपने सन्मुख हो के मैं अपने सारे खालसा पंथ नूं पंजाबी वीरां नूं यही बेनती करदी हाँ कि आओ असीं सारे इकट्ठे होईए, पूरा पंथ दी शक्ति इकट्ठी हो के एक मौका तुसी बंदी सिंघां नूं दिओ। मैं इत्थे अपने सरदार सिमरनजीत सिंह मान जी उन्होंने सारे साथियों समर्थकों को भी बेनती करती हाँ कि मान साहब जी कि तुसी बंदी सिंघां दी रिहाई नहीं चाहते, तुसी साडे नाल आवो। सारियां नूं मैं यही बेनती है मेरी कि आओ असी सारे इकट्ठे हो के सारी शक्ति इकट्ठी करके केंद्र सरकार नूं एक सुनेहा देईए, बंदी सिंघां दी रिहाई करवाइए। सारा पंथ शक्ति इकट्ठे हो के मेरे नाल आवो ताकि मैं तो तुहाडी धी हाँ, तुसी साडा परिवार हो, खालसा पंथ साडा परिवार है, सारे पंजाबी साडा परिवार हो। तुसी यही बेनती है कि एक मौका बंदी सिंघां नूं दिओ।